हेलो डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और थी आपके साथ डिस्कस करनी थी। आईसीएआई ने 1 जुलाई 2017 को एक नई स्कीम लॉन्च की न्यू सिलेबस के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपसे ये डिस्कस करना ज़रूरी हो गया था कि सर, कब तक हम ओल्ड स्कीम में चल सकते हैं, कब तक हमें ओल्ड स्कीम में अपने आप को कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा। सीपीटी स्टूडेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। सीपीटी स्टूडेंट्स के पास और कितने अटेम्प्ट देने के टाइम हैं, भगवान करे कि आप जल्दी से जल्दी पास हो जाएं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स नए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, उन्हें तो नए स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन लेना है। जो पुराने स्टूडेंट्स कैरी कर रहे हैं, उनके पास, सीपीटी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, उनके पास टाइम है नेक्स्ट ईयर 2019 में जून अटेम्प्ट तक का। सीपीटी स्टूडेंट्स के पास जून अटेम्प्ट तक का टाइम है लास्ट आईसीआई के ओल्ड स्कीम में, सीपीटी स्कीम में आपको कॉन्टिन्यू करने का। अब बात करते हैं आईपीसीसी स्टूडेंट्स की कि उनके पास इसको कैरी करने का कब तक का टाइम है। तो आईपीसीसी स्टूडेंट्स को सेम स्कीम में, एग्जिस्टिंग स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर मई 2019 तक। फिर अब बात आती है सर फाइनल स्टूडेंट्स की, सीए फाइनल के लिए। ओल्ड स्कीम में जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम में चल रहे हैं, उनके लिए टाइम है 2020 नवंबर एग्जाम के लिए, वहां तक वो अपने आप को कैरी कर सकते हैं। तो तीनों स्टेजेस में, चाहे वो सीपीटी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आईपीसीसी स्टूडेंट्स हों, चाहे सीए फाइनल स्टूडेंट्स हों, सबके लिए कुछ टाइम पीरियड दिया गया है आईसीएआई के द्वारा। इवन 1 जुलाई 2017 को ही ये अनाउंसमेंट आ गई थी कि हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है। अब एक चर्चा और आपसे कि सर, आगे से क्या होना है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नई स्कीम में बच्चे आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं नई स्कीम में, उनके लिए, सबके लिए एक सीक्वेंस मई एंड नवंबर। सबको एग्जाम कब देना है, अब जून का और दिसंबर का सिस्टम खत्म है। नए स्टूडेंट्स के लिए सबको मई अटेम्प्ट करना है, नवंबर अटेम्प्ट करना है। ओके, तो फिर हम लोग नए एक क्लैरिफिकेशन, नए वीडियो, नए अनाउंसमेंट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।